हेलो दोस्तों, आप लोग को मेरा पिछला वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। और कमेंट भी बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर पूरा का पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के विषय में आप पूरा डिटेल्स ही बता दीजिए। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट सीख सके। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम खोल लेते हैं। देखिए, पिछले दिन हमने क्लिपबोर्ड के विषय में बात किए थे, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं फॉन्ट सब मेनू है इसके विषय में, कि इसमें क्या क्या नाम है, क्या है, क्या डिटेल्स है, क्या काम करेंगे, किस तरह से करेंगे, सारा कुछ आज मिलने वाला है आपको फॉन्ट का। सबसे पहले आप आते हैं फॉन्ट के विषय में, और किसी को जैसे वर्ड खोलने में यदि प्रॉब्लम है तो आप हमारा पिछले वीडियो बार बार देख सकते हैं, या वर्ड खोलने का आपको हम बता दे रहे हैं। विंडोज की प्लस आर करेंगे, देखिए विंडोज की प्लस आर करेंगे, और यहाँ पर आप टाइप करेंगे विन वर्ड, WINWORD लिखेंगे विन वर्ड, और इंटर कीजिएगा, यह खुल जाएगा। जिसे खोलने में प्रॉब्लम होगा वो आप देख सकते हैं अपना। अब चलते हैं कि ये फॉन्ट में क्या क्या नाम है, कैसे काम करेंगे, क्या है। तो सबसे पहले हम आइकन्स को आपको जूम करके दिखा देते हैं। आपके पूरा फॉन्ट का डिटेल्स है, ये सारा का सारा कुछ आपका दिया गया है, इस तरह से आप काम करेंगे। जैसे देखिए, कैलिबरी बॉडी जो लिखा हुआ रहता है इसका नाम होता है फॉन्ट, अर्थात इससे क्या है कि आप फॉन्ट का स्टाइल आप चेंज करेंगे। फॉन्ट का स्टाइल कर्सिव लेटर करना है या अलग अलग टेक्स्ट का इफेक्ट देखना है, उस तरह का आप फॉन्ट का स्टाइल आप चेंज करेंगे। अब 11-12 जो लिखा हुआ रहता है यह है फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का साइज है कि आप किस तरह से इसको बड़ा करके आप रख सकते हैं, ये फॉन्ट का साइज के लिए, या हम आपको साथ में आपको दिखाते जाते हैं। जैसे हम लिखते हैं कम इन बिरसा स्टोर अब देखिए हमने लिखे हैं बिरसा इंस्टीट्यूट बड़कागांव। अब वेलकम जो लिखा हुआ है, वेलकम इन, इसे हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, वेलकम इन को सेलेक्ट करके फॉन्ट का स्टाइल आप चेंज करेंगे, इस तरह का आपको फॉन्ट चाहिए। जैसे कंबेरियम किया, देखिए अभी नॉर्मल फॉन्ट ये है आपका। अब हम फॉन्ट का स्टाइल चेंज किया, आपको किस तरह का है और भी स्टाइल से यहाँ पर है वो आप देख सकते हैं। और हमने अभी सेकेंड में हमने बताया फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज का मतलब होता है कि जो फॉन्ट हमने लिखे वेलकम इन इसका साइज कितना बड़ा रहना चाहिए, वो फॉन्ट का साइज आपको यहां पर मिल जाएगा। लीजिए, ये सभी का शॉर्टकट की भी होता है, शॉर्टकट की एक बार आप लोगों को शॉर्टकट की से काम करने के लिए भी बता देंगे, या तो आप ऐसो इसका शॉर्टकट की होता है फॉन्ट साइज का कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी फॉन्ट साइज का शॉर्टकट की होता है, और फॉन्ट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, फॉन्ट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। अब क्या है कि हमने फॉन्ट जान गए, फॉन्ट का साइज जान गए। अब हम तीसरा ऑप्शन देखते हैं क्या है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा है ये ग्रॉप फॉन्ट। ठीक है, अब ग्रॉप फॉन्ट से क्या काम करेंगे। ग्रॉप फॉन्ट में आते हैं, जो हमने बिरसा इंस्टीट्यूट लिखे हुए हैं और हम चाहते हैं कि सिर्फ ये बड़ा हो, तो यहां पर ग्रॉप फॉन्ट में क्लिक करते जाइएगा, ये सिर्फ बड़ा होगा, और इसके शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस
शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस और ग्रेटर देन भी दबाएंगे तो ये ग्रो करते जाएगा। अब ऐसे इसका फोन का स्टाइल आपको चेंज करना है, इसका स्टाइल चेंज कर दीजिए, इस तरह का आपका स्टाइल है। बहुत सारे यहाँ पर फोन रहता है, और नहीं है तो आप फोन को कॉपी जरूर कर दें। और अब आते हैं पूरा फॉन्ट हुआ, अब आते हैं नेक्स्ट क्या है, तो श्रिंक फॉन्ट। देखिए ये नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, श्रिंक फॉन्ट, छोटा ये वाला। श्रिंक फॉन्ट से क्या काम होगा कि ये फॉन्ट का साइज को सिर्फ छोटा करेगा। ग्रो फॉन्ट क्या कर रहा है कि फॉन्ट का साइज को सिर्फ बड़ा कर रहा है। श्रिंक फॉन्ट क्या काम कर रहा है कि छोटा छोटा सिर्फ करते जा रहा है, बड़ा बड़ा करते जा रहा है, छोटा छोटा करते जा। अब आपको जिस तरीके से आपको यूज करने का रहे, आप चाहते हैं कि ना फोन का साइज आप यहां से बड़ा छोटा करना है तो आप यहां से कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि फोन का साइज सिर्फ बड़ा हो तो सिर्फ बड़ा होगा आपका, और यदि आप चाहते हैं कि छोटा सिर्फ होते जाए तो सिर्फ छोटा भी होता जाएगा। क्लियर, अब चलते हैं आगे। तो आगे हमारा है फोन के चेंज केस। ठीक है, चेंज केस का काम होता है कि जो भी हमने लिखे हैं मीटर, जैसे हमने ये बिरसा इंस्टीट्यूट लिखे, हमने लिखने के दरमियान नहीं ध्यान देने गए कि किस तरह से हमारा लिखना था, कैपिटल लेटर लिखना था, स्मॉल लेटर लिखना था, तो यहाँ चेंज केस से आप उसको सुधार सकते हैं। चेंज केस में जैसे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर पांच पांच ऑप्शन सबको है। अब जिस तरीके का आप यूज करेंगे, जैसे सेंटेंस केस का यूज यदि कर रहे हैं, सेंटेंस केस क्या है कि जब स्टोरी वगैरह बुक वगैरह आप इस तरह के यदि लिख रहे हैं मैटर, तो सेंटेंस केस का यूज किया जाता है। अर्थात आप फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल रहेगा और सेंटेंस वाइज आपका सब छोटा छोटा स्मॉल लेटर चलते जाएगा, फिर फुल स्टॉप के बाद फिर आप यदि लिखते हैं फिर कैपिटल लेटर ऑटो हो जाएगा। ये सेंटेंस केस में काम होता है। प्लस आप यदि चाहते हैं कि लोअर केस, जितना हमने मैटर लिखे टोटल का टोटल हमारा स्मॉल लेटर में होना चाहिए, तो ये स्मॉल लेटर रहेगा। स्मॉल लेटर के बाद क्या है कि इसी में आप क्लिक कीजिएगा तो अपर केस कीजिएगा, अपर केस कीजिएगा तो सबका सब कैपिटल लेटर हो जाएगा, सबका सब कैपिटल लेटर हो जाएगा। आप कैपिटल लेटर यदि आप नहीं लिखे थे तो आप बाद में कैपिटल लेटर कर सकते हैं। इसी में आइएगा आप चेंज केस में ही, और कैपिटलाइज इच वर्ड कीजिएगा, कैपिटलाइज इच वर्ड, कैपिटलाइज इच वर्ड जैसे ही करते हैं इससे क्या है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा और बाकी का स्मॉल हो जाएगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा बाकी का स्मॉल हो जाएगा। ये आपका है सो कैपिटलाइज इच वर्ड से काम करेगा। अब चाहते हैं कि फर्स्ट लेटर है सो स्मॉल होना चाहिए और बाकी कैपिटल, तब आप टूगल केस यूज करेंगे, और इस तरह के मैटर इनकेस आपको मिलेगा, इसलिए इस पे ज्यादा ध्यान ना दीजिए। तो कैपिटल है इच वर्ड कर दीजिए या कैपिटल कर दीजिए, जिसे अपर केस और कैपिटल इच वर्ड के नाम से है, अपर केस कीजिए तो पूरा का पूरा कैपिटल लेटर आपका तैयार हो जाएगा। अब क्या कीजिए, जैसे आप कैपिटल लेटर तो तैयार हो गया, ये हमारा चेंज केस से हो गया। आगे का ऑप्शन हम देखेंगे, तो आगे का ऑप्शन हमारा है सो क्लियर फॉर्मेटिंग। देखिए आगे का ऑप्शन हमारा क्या है, क्लियर फॉर्मेटिंग। अब क्लियर फॉर्मेटिंग से काम कर सकते हैं। क्लियर फॉर्मेटिंग क्या काम करेगा अब वो देखते हैं। क्लियर फॉर्मेटिंग का काम होता है कि जो भी आपने इफेक्ट किए हैं, जैसे हमने बिरसा इंस्टीट्यूट लिखने में बोल्ड किए, इटाली किए, अंडरलाइन किए, या जो भी किए, ग्रो फॉन्ट श्रिंक फॉन्ट किए, इस मैटर को क्या करेगा, ये नॉर्मल कर देगा। जैसे ही क्लियर फॉर्मेटिंग में क्लिक कीजिएगा, ये पूरा इफेक्ट को नॉर्मल कर देगा। मतलब फर्स्ट में आप जैसा वर्ड खोले थे उस तरह का सिंपल आपको फॉन्ट कर देगा। क्लियर फॉर्मेटिंग से क्लियर। अब आगे चलते हैं बोल्ड। देखिए बोल्ड से क्या काम होगा, बोल्ड से हमारा काम है, बोल्ड में आइएगा, प्लस बोल्ड का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस बी, बोल्ड का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस बी। तो हम बी में जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये बोल्ड हो जाएगा। थोड़ा सा ग्रो फॉन्ट करते हैं, ग्रो फॉन्ट से आपका देखिए
बड़ा हो रहा है, सिर्फ 4 से छोटा हो रहा है। और आप यदि चाहते हैं कि हम यहाँ पर क्लिक कर करके नहीं बड़ा करें, तो ग्रॉ फंड का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन। ये ग्रॉ फंड का शॉर्टकट की है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन करेंगे तो ये छोटा होगा श्रिंक फंड। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन ग्रॉ फंड, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन श्रिंक फंड। बोल्ड करने के बाद आप है सो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है कि इटैलिक है। क्या है हमारा? इटैलिक। ये जो हमारा है इटैलिक, इटैलिक से क्या काम होगा अब आते हैं। इटैलिक से हमारा क्या है कि ये जो मैटर हमारा जो सीधा लिखा हुआ है इसको हल्का तिरछा टाइप से करेगा। देखिए हल्का तिरछा टाइप से करेगा। और इसका इटैलिक का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल प्लस आई करेंगे तब भी यह है सो इटैलिक काम कर जाएगा, तिरछा कर लेगा थोड़ा सा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है अंडरलाइन। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है? अंडरलाइन। अब अंडरलाइन से क्या काम होगा? अब देखिए अंडरलाइन से क्या हो रहा है, इसे आप सेलेक्ट करेंगे हम और अंडरलाइन में क्लिक कर दीजिएगा तो देखिए एक लाइन आपका इस टाइप से उसको अंडर कवर कर लेगा। अब यदि आप सिंगल लाइन चाहते हैं तो ठीक है, और डबल लाइन का या लाइन स्टाइल का आपको चाहिए इसी अंडरलाइन का मोर ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा, यहाँ लाइन स्टाइल आपको मिल जाएगा कि आपको किस तरह का अंडरलाइन चाहिए। तो इस जगह पर आप क्लिक करते जाइए, देखिए यहाँ सारा ऑप्शन आपको मिलेगा, कर लीजिए अंडरलाइन से क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि अब नेक्स्ट ऑप्शन आपका है स्ट्रीक थ्रू। क्या चीज है? स्ट्रीक थ्रू। तो स्ट्रीक थ्रू का ज्यादा वर्क नहीं है, सिर्फ मैटर को आपका सिलेक्टेड रहना चाहिए और ये बीच के लाइन करेगा, जैसे जितना मैटर लिखा हुआ है इसका बीच में लाइन कट कर देगा इस टाइप से। तो आप इस टाइप से यदि मैटर को रखना चाहते हैं तो आप वो रख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन आपका है सो सबस्क्रिप्ट है। देखिए यहां पर हमने लिख दिए हैं इसका आइकन, देखिए सारा का सारा हम डिटेल से लिख दिए हैं, आपको ध्यान पूर्वक से याद कर लीजिएगा, बहुत काम का चीज है सबस्क्रिप्ट है। सबस्क्रिप्ट का काम देखते हैं। अब जाते हैं यहां पर सबस्क्रिप्ट और इंटर करते हैं और लिखते हैं, हम टेंथ लिखते हैं, टेंथ में अब जैसे अंडरलाइन वगैरह सब हटा देते हैं। अब ये जो TH है या तो ये 0 को हल्का सा थोड़ा सा नीचे होना चाहिए या उसके थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। ये TH क्या है कि थोड़ा सा नीचे होना चाहिए या थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए ये टेंथ के लिए। इसके लिए सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ सबस्क्रिप्ट है और एक यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट है, दोनों का ये देखिए सबस्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट दोनों का शॉर्टकट की भी होता है। देखिए यहाँ सेलेक्ट करेंगे TH को, सबस्क्रिप्ट में जैसे क्लिक कीजिएगा तो थोड़ा सा नीचे होगा, ठीक है ये 0 के थोड़ा सा नीचे हो जाएगा सबस्क्रिप्ट, और सुपरस्क्रिप्ट करेंगे तो ये ऊपर चढ़ेगा टेक्स्ट के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट। अब आप इसका शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं। सबस्क्रिप्ट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस इक्वल करेंगे तो सबस्क्रिप्ट काम करेगा, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस कर देंगे तो सुपरस्क्रिप्ट काम करेगा। आप शॉर्टकट की का यूज करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की यूज कीजिए, और डायरेक्ट आप स्टैंडर्ड बार से काम करना चाहते हैं ऑप्शन से तो आप उससे भी कर सकते हैं, ये दोनों आपके लिए अवेलेबल है। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है टेक्स्ट इफेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है? टेक्स्ट इफेक्ट। अब टेक्स्ट इफेक्ट से क्या काम होगा? तो देखिए टेक्स्ट इफेक्ट से क्या काम है कि जैसे हमने लिखे
टेक्स्ट इफेक्ट से क्या किया, जैसे हमने वेलकम लिखे, अब वेलकम को थोड़ा सा स्टैंडर्ड और दिखना चाहिए, तो देखिए इस तरह से आपको वेलकम दिखना चाहिए, उसकी स्टाइल आपका है सो आप भी चेंज कर दीजिए, टेक्स्ट इफेक्ट हो जाएगा। हम ये सिलेक्ट करके सेंटर लाइन कर दे रहे हैं अभी, आगे दिन अगला अभी यही वीडियो में आपका है सो इसी का बताया जाएगा। तो वेलकम हम लिखे, इसका ग्रो कर दीजिए थोड़ा, तो थोड़ा सा स्टाइल जैसा भी आपको चाहिए, या तो यही स्टाइल आपको है सर बिरसा इंस्टीट्यूट बरका गांव लिखे हैं, आप इसमें भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका टेक्स्ट इफेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर। देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट कलर से क्या है कि हम इसे थोड़ा सा जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं इसके पीछे बैकग्राउंड जितना दूरी, जैसे हमारा जितना दूरी का सिलेक्टेड है इतना दूरी में ये इसका अपना कलर होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए, देख सकते हैं। यदि हम डालते हैं अलग कलर तो यहाँ पर क्या कि फ़ॉन्ट का कलर भी हम चेंज करेंगे, तब यह है सो देखिए नेक्स्ट आपका है सो फ़ॉन्ट का कलर है, फ़ॉन्ट कलर आप चेंज कीजिएगा तो ये पूरा अलग दिखेगा। फ़ॉन्ट कलर से क्या है कि आप फ़ॉन्ट का स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, इसे सेलेक्ट करेंगे व्हाइट कलर है, रेड ग्रीन ब्लू ब्लैक जो भी करना है आप इसे चेंज कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा आपका फ़ॉन्ट कलर। अब टेक्स्ट कलर, जैसे टेक्स्ट हाईलाइट कलर आपको हटाना है, इसी में क्लिक कीजिएगा मोर में और नो कलर कर दीजिएगा, टेक्स्ट कलर हट जाएगा। फ़ॉन्ट कलर आपको चेंज करना है, फ़ॉन्ट कलर आप चेंज कर दीजिए, एक आपका हो गया। और इस सभी का यदि आप काम करना है एक ही बार, यहाँ पर यह मोर ऑप्शन है इसमें क्लिक कीजिएगा, ये पूरा एक ही साथ सेट करने के लिए दे देगा, देख लीजिए स्ट्रिक थ्रू डबल स्क्रिप्ट ये वगैरह सारा कुछ आपको यहाँ पर। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और भी इस तरह के वीडियो देखना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।